रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी का ये स्मूथ सीन है फिल्म रॉकस्टार में। ये लिप लॉक आजकल इंटरनेट पर काफी छाया हुआ है, जिधर देखो उधर बात हो रही है इस किस सीन की। लेकिन किसने किया किस सीन की इन तस्वीरों को ली? क्या ये रॉकस्टार को प्रमोट करने का कोई नया तरीका है? क्योंकि फिल्म में अगर किस सीन है तो फिल्म का पॉपुलर होना 100% श्योर हो जाता है। फिल्म के ट्रेलर में भी रणबीर कपूर और नरगिस के कई लव सीन हैं, लेकिन दोनों का ये किस सीन कहीं भी ढंग से नहीं दिखाया गया है। खुद देखिए ये सीन कब आता है और निकल जाता है पता भी नहीं चलता। अगर सोर्सेस की माने तो ये तस्वीरें जानबूझकर इंटरनेट पर डाली हैं फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने। लगता है इम्तियाज फिल्म में रणबीर और नरगिस की केमिस्ट्री व्यूअर्स के सामने पहले ही जाहिर कर देना चाहते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि फिल्म में रणबीर का किरदार किसी देवदास से कम नहीं है, जिसका दिल प्यार में हो जाता है चकनाचूर और वो पूरी दुनिया से हो जाते हैं बेखबर। ब्रेकअप का दर्द ही है जो रणबीर को बना देता है रॉकस्टार, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। पहली बार रणबीर के ऑपोजिट नजर आएंगी मॉडल नरगिस फाखरी। फिल्म के प्रोमोस पहले ही काफी धमाल मचा चुके हैं। और अब इन तस्वीरों से फिल्म काफी सुर्खियों में आ गई है। इससे पहले भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक कटरीना के किस सीन और मौसम में शाहिद सोनम के किस सीन ने फिल्म को काफी लोकप्रियता दिलवाई है। और अब लगता है कि इम्तियाज इसी किस के फॉर्मूले को रॉकस्टार के लिए अपनाना चाहते हैं।